अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके की कटिंग सिखा रही हूँ शर्ट की, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने ये आगे का फर्मा कटिंग कर लिया है। इसमें मेरी ये शर्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन 48 इंचेस मैंने रखी है, और इसके ये सिलने के बाद 47 इंचेस रह जाएगी, और इसकी जो ब्रेथ है वो हमने रखी है तकरीबन 27 इंचेस, जो सिलने के बाद तकरीबन 25 ही तकरीबन रह जाएगी। और ये हमने इसका जो शोल्डर है वो हमें रखने हैं तकरीबन, डबल करेंगे तो हम ज़्यादा होंगे, इस तरह 8 इंचेस हमने इनके शोल्डर रखने हैं, और ये डबल करके हमने कपड़ा रख लिया है पूरा। मैंने ये जॉर्जेट है बहुत मुश्किल से, जो कि कटिंग होती है इसको इस्तरी से पहले जमा लें, बारीक हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है, इसे पहले हाथ से अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें, प्रेस करके इसको लगा लें, या कॉमन पिने आपके पास है तो वो इस्तेमाल करें। और ना ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन इसकी जो है, हम अगर हम इस तरह चकोर निशान लगाएंगे तो निशान रह जाएगा, ये बारीक कपड़ा है इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया। पहले हम यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी हम इस तरह ओरेप की कटिंग कर लेंगे, या जहाँ से हमें हमारा तीरा तकरीबन 8 इंचेस है डबल करके, तो हमें यहाँ से टुक लगा कर हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह थोड़ा सा तिरछे शेप में। फिर हम इसकी मोजे की कटिंग करेंगे, तकरीबन ये 9 इंचेस हमने मोजा रखा है, यहाँ से इस तरह ये काट कर मैंने पहले ही फर्मा रख दिया है, 9 इंचेस लंबाई इसकी रखी है। हम गोल गला बनाएंगे, लेस वगैरह लगाएंगे, ये हो गया है, और ये ज़रा सी और हम यहाँ से कटिंग करेंगे तिरछी। और हमें यहाँ से जो हमें रखना है चेस्ट, हमें रखनी है तकरीबन चेस्ट हमने रखी है तकरीबन 22 इंचेस, अगर 22 इंचेस डबल कर लिया है मैंने, ये इस तरह 22 इंचेस हमारी चेस्ट है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह एक निशान लगा लीजिए। और फिर हमारी कमर है तकरीबन लेंथ हम यहाँ से रखेंगे 10 इंचेस तक, 10 इंचेस हमें कमर रखनी है यहाँ से यहाँ तक, और इससे बढ़ा कर जो हम लेंगे तकरीबन हमारी कमर यहाँ से रखेंगे 10 इंचेस हम यहाँ से रखेंगे, और इस जगह यहाँ से मोजों से भी हम 10 इंचेस ही रखेंगे यहाँ तक, 10 इंचेस हमें सिलाई करने के बाद रखनी है, और यहाँ से भी नहीं रखनी है 10 इंचेस, मतलब डबल कर कर आप 20 इंचेस होगी हमारी कमर। और हमारे हिप हम रखेंगे तकरीबन, निशान लगा दिए हैं मैंने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये 12 इंचेस हमारे ये यहाँ से रखेंगे हम हिप्स के पास से, डबल कर कर हमारा ये होगा 24 इंचेस। ये सिलाई करने के बाद रखेंगे हम कपड़ा, इससे तकरीबन जब हम कटिंग करते हैं तो तकरीबन 1 इंचेस बढ़ा कर हमें 1 इंचेस या ज़्यादा थोड़ा बढ़ा कर रखना चाहिए, ताकि हमारा सिलाई में वो कपड़ा रहे, हमें थोड़ी बड़ी हो तो हम नीचे से कटिंग करना शुरू करूँगी मैं यहाँ से। ये यहाँ से हमने कटिंग शुरू की है नीचे से, ताकि रेप सही हो हमारी, ये कमर से हम ज़रा सा ज़्यादा रखते हुए ये कमर आ गई है हमारी यहाँ से, और ये ज़रा सा हमने तिरछी टेप तिरछा कर लिया है, ये हमारी ये फिटिंग है हमारी, यहाँ से हमारी फिटिंग होगी, यहाँ से हमारा चौथा निशान लगेगा जो कि सिलाई होगी, ये हमारी कटिंग है। सिलाई करते वक्त हमें बहुत ख्याल रखना है कमर कहाँ है, फ्रंट का कहाँ से है, फिर ये आगे ही जो पीस होगा वो याद रखिएगा, हमेशा कटिंग आगे की जो मोजे की कटिंग होती है वो इस तरह कर देकर, जहाँ मैंने निशान लगाया है ये वाला निशान तिरछा, ये यहाँ से हम सिलाई करेंगे, इस जगह से आप उठाएंगे कपड़ा, बारीक कपड़ा उठाएंगे बिल्कुल, और बारीक ही से यहाँ से करते हुए हम इस जगह से लाएंगे, ताकि फिटिंग सही हो, और ऊपर से बिल्कुल यहाँ से हम यहाँ तक छोड़ देंगे। और फिर हमने जो गला बनाना है वो हमारा गोल गला होगा, हम इसका बे गला बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा ये कश्ती वाला गला भी कहते हैं या कुछ और भी कहते होंगे। इसकी हम जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंचेस लेंगे,
और इसकी लेंथ जो है वो भी तकरीबन 5 इंच से ज़रा सी मामूली से कम जाएंगे। और यहाँ पर जब हम निशान लगा लिया है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा हम कपड़ा रखेंगे इतना तुरपाई के लिए, ये बुकरम में कटिंग कर रही हूँ और ये इस तरह कटिंग होगा। लेंथ इसकी बता दी है मैंने और ये बिल्कुल बराबर इस तरह कटिंग होगा। इसे बैक गला भी कहते हैं और दूसरा गला भी कहते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग बनेगी। ये हमारा गला हो गया। तरह अब ये हम कपड़े पर लगा लेंगे, बिल्कुल सादे कपड़े पर लगाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब हम गोल गला काटेंगे तो इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी। इस तरीके से ये कपड़ा हमने बारीक शिफॉन पर नहीं लगेगा, ये हमने जो शलवार का कपड़ा, शमीज़ का कपड़ा था उसमें से बचा कर फिर हम ये लगा रहे हैं। इस तरह चिपका देंगे, बिल्कुल बैलेंस कर कर ये याद रखिएगा। पहले आप यहाँ से कटिंग करेंगे, इतना कपड़ा छोड़कर जो सिलाई में आ जाएगा हमारे, ये यहाँ से इतना कटिंग कर कर हम ये, क्योंकि बारीक शिफॉन है अंदर से वाइट नज़र आएगा, इसलिए हम ये ज़रा सा ज़्यादा मोड़ेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि शिफॉन के अंदर से नज़र आने आएगा तो हमें थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा कर लेना है। और जब हम यहाँ की कटिंग करेंगे, गोल गले की कटिंग करेंगे, तो ये वाली चीज़ हमें इस तरह मिलानी है, ये ऊपर से भी नीचे से भी, और फिर हमें कटिंग करनी है थोड़ी सी बढ़ा कर। ये इस तरीके से जमा लें आप, बिल्कुल ये चीज़ बराबर आ जाए क्योंकि तिरछा ना हो गला। और फिर यहाँ से जो मैंने ऊपर से भी बढ़ाया है ये ज़रा सा इस तरह होगा। और ये कटिंग करने के बाद ये इतना जितना हमें सिलाई में आ जाए, सिलाई जितनी, एक पाँव जितनी सिलाई का छोड़ कर ये कटिंग करना है हमें इस तरह। ये गला कटिंग हो गया है हमारी शर्ट का। आपको फ्रंट का जो पीस शर्ट का पीस है वो अलहदा मैंने कर लिया है, बैक साइड से उसकी कटिंग करनी है। हमने ये वाला गला जैसे कि लगाया है, मैंने आपको बताया है ये बुकरम से इतना फासला हमने रखा है, जहाँ सिलाई होगी ये हमने इस तरह रखना है इसके ऊपर, क्योंकि ये बारीक शिफॉन है तो हमें थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर गला कटिंग करना है, बिल्कुल भी बड़ा ना हो, शिफॉन का शिफॉन थोड़ी सी खिंच जाती है। ये हमारा फ्रंट का गला है, ये लगाने के बाद जो है ये मोड़ने के बाद लगा लेंगे हम, पहले लेस वगैरह लगानी है मुझे। ये इस तरह बिल्कुल बराबर कटिंग कर लिया है और इस जगह से रखकर और इस तरह ये हम रखेंगे इस साइड से, पहले ये मोड़ लेंगे फिर इस साइड से रखेंगे, ये मोड़ने के बाद फिर इस साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे। और गले को बिल्कुल ये लूज खींच कर नहीं लगानी है, बिल्कुल तरीके से लगाना है कि बराबर आ जाए, खोलना नहीं है। और पीछे का जो गला है वो भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये जो शोल्डर होते हैं इससे फ्रंट के का जो कटिंग हुआ हुआ गला है उससे मिलाकर बिल्कुल इसके बराबर से पीछे का गला कटिंग करते हैं। और जो नए सीखने वाले न्यू लर्नर हैं उनके लिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि याद रखने के काबिल हैं, ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।